नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज़ चैनल। अभी मैं जितेंद्र दिव्यांग को जो है मुरली वाला कहें या फिर उनका कोई आदमी कहे, जितेंद्र दिव्यांग को कॉल करते हैं और उसे धमकी देते हैं कि मैं आपका चैनल डिलीट करवा दूंगा, आपका चैनल पे रिपोर्ट मरवाऊंगा, आपका चैनल ब्लॉक करवा देंगे। अरे यार, तुमसे चैनल ब्लॉक हो जाएगा जितेंद्र दिव्यांग जी का, ऐसी कुछ भी बोल दोगे। ये इतना ही तक नहीं, वो जो है अपना नाम नहीं बताते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम अपना नाम बताएंगे तो हम चर्चे में आ जाएंगे, लोग हमें पहचानने लगे। वो के मारे अपना नाम नहीं बता रहे हैं। किस तरीके से देखिए, चैनल डिलीट करने की बात करते हैं। अच्छा, मतलब चैनल को ब्लॉक करवा दोगे तुम? यूट्यूब का गाइडलाइन तुमको ज्यादा जानकारी है, ज्यादा तुम जानते हो। किसी का चैनल ऐसे ही बंद हो जाता है, ऐसे ही बंद करवा दोगे चैनल किसी का? अरे यार, इतना ही नहीं, मनीष कश्यप जी को भी जो बीच में रिलने का काम कर दिया है, मनीष कश्यप को भी बीच में घुसा दिया है, वो भी जो है ना दुनिया वाले को चुतिया बनाते हैं। रिकॉर्डिंग सुनिएगा, रिकॉर्डिंग मैं दिखा रहा हूँ। क्या हो गया? देखिए, ये इनको सबके बारे में पता है कि जितने भी मीडिया वाले हैं ना, मनीष कश्यप है, जितेंद्र दिव्यांग है, जो भी पॉपुलर मीडिया वाला, इनको सब बेकार लगता है, सब इनको बेकार लगता है। और ये भी कहता है कि लोगों को चुतिया बनाने का काम करते हैं, यानी कि मनीष कश्यप लोगों को चुतिया बनाने का काम करते हैं, इनका कहना है। और जितेंद्र दिव्यांग का चैनल ये डिलीट करवा देंगे, ये तुमसे चैनल डिलीट होगा? अरे बोलने से पहले सोच लिया करो यार, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, और कुछ नहीं जितेंद्र दिव्यांग को कुछ कर लोगे। कमेंट जाकर के पढ़ो, पहले कमेंट पढ़ो, और मनीष कश्यप का जो भी वीडियो आता है ना तो कमेंट पढ़ो कौन किसके साथ है। अरे ऐसे ही कुछ बोल दोगे चैनल डिलीट करवा दोगे यार? मतलब फ़ोन कर लेते हो, नंबर दिया हुआ है तो क्या फ़ोन कर लेते हो, किसी को धमकी दे देते हो, और डर के मारे अपना नाम भी नहीं बताते हो? बताओ यार, अरे हिम्मत हो तो नाम बताओ ना यार, डरते क्यों यार? अरे एड्रेस दो ना, हम वहाँ पे आएंगे, आपसे मिल लेंगे जितेंद्र भैया। एड्रेस क्यों नहीं बताते हो? एड्रेस बताओ ना, और नाम बताओ ना, बताओ नाम बताइबे नहीं करते हो, और बोलते हो चैनल डिलीट करवा देंगे। तुम्हारे औकात का चैनल डिलीट करवा दोगे? चैनल ऐसे डिलीट हो जाता है? अरे बनाओ ना एक चैनल, खोल के दिखाओ, लाख सब्सक्राइबर करो, तब पता चलेगा कितना मेहनत करने के बाद जो है सब्सक्राइबर बढ़ता है। अरे ऐसे ही नहीं होता है, पर यूट्यूब चैनल खोलो, उसके बाद पता चलेगा गाइडलाइन। तुम चैनल डिलीट करवा दोगे, तुम करवा दोगे चैनल डिलीट? ऐसे ही चैनल डिलीट हो जाता है? अरे भाई, जो बंदा जिसके पास हाथ नहीं है, वो जो इतना मेहनत करके का सब्सक्राइबर जो है, जो एक्सप्रेस पर 2 लाख सब्सक्राइबर है, जिसके पास हाथ नहीं है, इतना मेहनत करके इतने ऊपर तक गए हैं, और तुम उसका चैनल डिलीट करवा दोगे? कैसे संभव है यार, कुछ भी बोल दोगे? अरे भाई, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, ठीक है ना? एक बार पर्दा के सामने आओ, पर्दा के पीछे बोलने से नहीं होता है, एक बार सामने आकर के बात करो, तब तुमको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ चलता है। अब तुम बोल रहे हो कि मनीष कश्यप जितेंद्र दिव्यांग लोगों को चुतिया बनाता है? अरे हिम्मत है तो अपना नाम बताओ ना, नाम बताने से क्यों डरते हो? एक बार सामने आओ, तब तुमको पता चलेगा कि जितेंद्र दिव्यांग क्या है और मनीष कश्यप क्या है। कमेंट जाकर के पढ़ लो, तब तुमको पता चलेगा कि जितेंद्र दिव्यांग क्या है और मनीष कश्यप क्या है। कुछ भी बोलने से नहीं होता, जितेंद्र दिव्यांग का तुम चैनल बंद करा दो, कुछ नहीं होने वाला तुमको। यह धमकी दे रहे हो ना, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है तुमको।